टेंशन टेंशन, इधर हांगकांग भेजो, इधर सामान भेजो, इधर भेजो। सर जी, सर एक मिनट, बात करनी थी। क्या बात है, एनी प्रॉब्लम? सर, हम तीनों के पति बिल्कुल बेरोजगार हैं। हाँ, सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं। सर, सुना है आपकी एक मोटर कंपनी भी है। हाँ, है। अगर हमारे पतियों को वहाँ कोई भी नौकरी मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती सर। अरे, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नौकरी तो थी, मगर आज ही तीन आदमियों को भर्ती कर लिया हमने। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब जी, साहब जी, ट्राई तो करो, आप कोशिश करोगे जगह निकल आएगी। क्या भाई, तू समझा नहीं। सर, वरुण मोटर्स में 10 साल काम करने का एक्सपीरियंस भी है उन तीनों को। वरुण मोटर कंपनी? जी सर। क्या नाम बताया आपने पति का? रवि। मेरे पति का नाम विजय। माय हस्बैंड नेम अप्पू खोटे। इन तीनों ही को तो मैंने नौकरी दी है। क्या? सच? आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है हम पे, बहुत एहसान है आपका। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जाके तीनों को डिसमिस करता हूँ। डिसमिस? डिसमिस? ऐसा क्यों? लेकिन क्यों सर? अभी अभी नौकरी दिया, ऐसा पता चला हम लोग के पति लोग डिसमिस कर दिया। पति? अरे तुम्हारे पति है इसलिए नहीं, वो तीनों कमीने कमबख्त इतने झूठे हैं। मालूम है तुम्हारे बारे में क्या क्या बताया? साहब, इस पहले जन्म में हम लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं कि ऊपर वाले से कहकर हम बाकी के 6 जन्म कैंसिल करवा लेंगे। सब घर में खाने का एक दाना नहीं। हाँ। और मेरी पत्नी, मेरी पत्नी। साहब मैं बताता हूँ, इसकी पत्नी के साथ वो हुआ है कि ये बेचारा बता भी नहीं पा रहा है। क्या? इसकी पत्नी की दोनों टांगे सिलाई मशीन के पहियों में जाकर कटा हुआ खरबूजा हो गई है सर। अपने आप को संभालो भाई, संभालो। अरे तुमको देखकर तो मेरी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी, मेरा दफ्तर यार बह जाएगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ भाई? क्या नहीं हुआ साहब? एक तरफ मेरी पत्नी को मेरी नौकरी की टेंशन, दूसरी तरफ उसे स्टोव में हवा भरने की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, टेंशन ही टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। हवा टेंशन, हवा टेंशन। हवा निकल गई सर। फिर क्या हुआ? दिया बुझ गया। दिया बुझ गया? मेरे ही घर का दिया, मेरे ही घर की दहलीज के सामने, मेरे ही आंखों के सामने बुझ गया रे। अबे मिसाल मत दे, सीधे शब्दों में बताना। वही, समझ में नहीं आ रहा ना। स्टोव फट गया, मेरी पत्नी की दोनों आंखें चली गई, वो अंधी हो गई। अब बोलो, क्या तुम अंधी हो? जी जी जी, कैसे हैं हमारे पति? मेरे पति के लिए कुछ नहीं बोलने का हो? मेरा पति मुझे मारता है, दारू पीता है, गाली देते है, लेकिन ऐसा झूठ को भी नहीं बोलते है। मेरा पति तो सोना है, सोना। कौन? वो कम हाइट वाला? वो गुटका? गुटका। वो कबूतर? कबूतर। उससे बड़ा लफंगा मैंने पूरे इंडिया में नहीं देखा। मेरी नौकरी चली गई, इस दुख में मेरी पत्नी अपने हाथों से ढोकला बना के खा के मर गई साहब। ढोकला? ढोकला खा के कोई मरता है क्या? वो पति बर्तन नारी साहब ढोकले में जहर मिला के खा के मर गई साहब। गॉड, आत्महत्या? सुइसाइड? It's a crime भाई, ये तो बेचारी चारों बच्चों को मेरी जान पे छोड़ के चली गई साहब। कितने? 4 बच्चे? हाँ, 4। मैं आपको 2 चांस दे रहा हूँ साहब, या तो मुझे आप नौकरी दीजिए या फिर चने का आटा दे दीजिए साहब। चने का आटा? चने के आटे से मैं ढोकला बनाऊंगा, उसमें जहर डाल के चारों बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा खा के चला जाऊंगा साहब। नहीं नहीं नहीं, ये तो आत्महत्या है। आप सोच लीजिए साहब, मेरी औरत की आत्मा के लिए जान दी जाते ना आप, तो मुझे नौकरी दीजिए। अगर आपने नौकरी नहीं दी तो मेरी औरत की चंचल आत्मा चुड़ैल बन के इसी ऑफिस के चारों ओर भटकेगी साहब, भटकेगी साहब। अरे अबे अप्पू खोटे, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। तू मुझे मुर्दा बनाकर शमशान घाट भेजना चाहता है? अरे मेरे से पहले तू जाएगा शमशान घाट, और तेरी इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैं 100 साल आराम से जीऊंगी। बस करो विमला, क्या कहती जा रही हो ये सब? सॉरी सर, वो क्या है, नौकरी नहीं है ना, इसलिए परेशानी में ये सब झूठ मूठ की कहानी बना दी होगी उन लोगों ने। आप हमारा चेहरा देख के उन्हें माफ कर दीजिए ना प्लीज। माफ कर दूं? अरे आज पत्नी मर गई बोल के मेरे यहाँ नौकरी हथिया ली, कल मैं मर गया बोल के मेरी फैक्ट्री हथिया लेंगे। मैं उनको छोड़ने वाला नहीं, रास्कल फेलोस। नहीं सर, आप प्लीज उन्हें नौकरी से मत निकालिए सर,
सर प्लीज सर, हमारे खातिर उन्हें एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ, हाँ सर जी, माफ कर दो उन्हें। अरे अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है, माफ कर दो। ओके ओके ओके, आप लोगों का मुंह देख के मैं उनको माफ कर देता हूँ। थैंक यू। वरना उन भिखारियों को मैं पुलिस के हवाले कर देता। रास्कल्स। थैंक यू सर, आप बहुत महान हो। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, हाँ। अच्छा वो ना मान गए वो। हाँ, हमारे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हाँ। उन्हें नौकरी मिल गई, अब हमसे वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, बाबा। पचास किलो संगे मरमर से तराशी, सुराहेदार गर्दन वाली, इनकी खटिया खड़ी करने वाली, गुलाबी पंखड़ी, आजा स्वागत है, आजा आजा रे। तो ये तुम्हारा कुटिया है? ये कुटिया नहीं है, ये प्रेम नगर है, और इस प्रेम नगर की तुम अफसरा हो। अरे अरे, किसी का पूरी छोकरी को उठा कर लेकर आए हैं लोग, और तारीफ तो ऐसे कर रहे जैसे वो मेडल लो। बोलो, तुम्हारे आने से आंगन में बहार आ गई है। काम समझ में आ गया क्या? अच्छा अच्छा, काम वाली बाई लाए हैं। सुनो, तुम दिन में काम वाली हो और रात में घर वाली। अरे अरे, तेरी माँ ने तुझे जन्म क्यों दिया? तू सबसे पहला काम। ओके। मेरी एक बच्ची है, इनके चार बच्चे, उनको नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना और स्कूल भेजना। बिल्कुल वैसे ही जैसे सौतेली माँ भेजते हो। हमारे बच्चों के सपने में भी असली माँ नहीं आनी चाहिए। ओके, नहीं आएगी। yeah. मैं आऊंगी। और जब हम लोग सुबह ऑफिस के लिए जाएं, तो सुनो जी कहते हुए गेट तक आना और गाल पे एक झटकेदार चुम्मा देना। इंडियन चुम्मा, इंग्लिश चुम्मा या फ्रेंच चुम्मा? दिन में तो कुछ भी कर, लेकिन रात में हम तीनों की रानी है, समझ गए ना? रात में हम तीनों के बीच में बैठ के गिलास में भर के अपनी आंखों से पिलाती जा, पिलाती जा, पिलाती जा। अरे आंखों से क्या, अपने दोनों हाथों से पिला, लेकिन उसको जहर पिला दे तो झंझट ही मिट जावे। ये ज्यादा भंकस करी ना, जहाँ तू तो खड़ी है वहाँ समाधि बना दूंगा तेरी। अरे जा जा। अरे यार, उसको तो पसीना आ रहा है यार। पंखा लिया यार, पंखा लेके आ रहा हूँ, पंखा लेके आ रहा हूँ, देख पंखा ला रहा है। अरे मैं अभी बाजार जाता हूँ, ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा लेकर आता हूँ, शरबत। एक मिनट में जा यार, जल्दी जाता हूँ, वेस्ट मत कर यार। सुकेश जी, तू दिन भर तीनों को घर में काम कर और रात को तीनों की आंखों में धूल झोंक कर सीधे मेरे घर आना, फिर अपन करेंगे डिंग डांग डिंग टांग डिंग। अबे ओ काले मुख का बंदर, बहुत उछल कूद कर रहा है, ठहर, मैं तेरा थोबड़ा फोड़ती हूँ अभी। किधर है, किधर? ये अभी। अरे विमला। क्यों जी? हाँ जी, घर में तुम्हारा वाइफ नहीं जी? कल तक तो थी, लेकिन आज पड़ोस के मास्टर के साथ निकल गई है। क्या बकवास कर रहा है तू? अभी मैं तेरा थोबड़ा फोड़ती हूँ, देखना। पति की जो इज्जत है ना, वो गई हवा खाने। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सलाम मर्द पे हाथ उठा के, तू आज मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा साली। यस, आजा आजा साली, अरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक डालूंगा, समझे? तू क्या मेरे टुकड़े टुकड़े करेगा? तेरी जबान को ऐसे ककड़ी की तरह कट 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 के छोटे टुकड़े निकाल डालूंगी ना, तो मेरा नाम भी विमला सूरत वाला नहीं है। किधर गया वो? विमला बहन सूरत वाली, तेरे को मार के काट के नहीं फेंका ना, तो मेरा नाम भी अप्पू खोटे नहीं, सनाप चप्पू खोटे। अरे जा जा। ये तेरी तो, ये राग, ये जहाँ, ये समझ क्या रखी तूने? हाँ, अरे तेरे को। अरे 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 क्या करेगी? अरे क्या करेगी? अपने पति को मारेगी तू? पति? था?
जारी औरत को लेकर आता है अपने आप को पति बोलते है? अरे इस जीवन में तू मेरा पति रे ना रे, लेकिन मैं तेरे को इस जिंदगी में तो नहीं रहने दूंगी। जान से मार डालोगी? अरे अरे तुम मेरे मासूम दोस्त को मार डालेगी? अरे इसे बचाने के लिए कोई मर्द है क्या? अरे अरे तुम क्या कर रही हो? अरे कर कैसी पत्नी हो तुम? तू मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना तुझे भी जान से मार डालूंगी मैं, बोल देती हूँ। मैं इसको छोड़, मुझे मैं इसको मार डालूंगी। दिमाग खराब है, ले जाओ। अरे तू ठीक तो है ना? पत्थर की बोलत क्यों बनाए? तू ठीक है ना? अरे क्या हुआ तेरे को? अरे कुछ तो बोल, अरे बोल ना कुछ तो बोल। साला तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम साला दोस्ती के नाम पे मेरे दुश्मन हो। मुझे शर्म आती तुम लोग दोस्त कहते हुए। अरे तुम तो जो तुम्हारी पत्नियां है जो मेरे दुश्मन हो, तुमने मुझे बचा लिया। अरे क्या क्या कह रहे हैं? मैं मेरी माँ के पास जाऊंगा, आज मेरी पत्नी में मैंने दुर्गा का रूप देख लिया है। देखो देखो इसकी हालत, देखो इसकी हालत ऐसे हो गई है जैसे 360 वोल्ट का करंट लग गया हो। आइडिया, ऐसे टाइम पे हमें बहुत होशियारी से काम लेना चाहिए। दिमाग के ढक्कन खोल के हमें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर देनी चाहिए कि इसकी पत्नी ने इसके सर पे मार के इसके पेट में चाकू मारने की धमकी दी है। ऐसी कंप्लेंट हमें पहले ही कर देनी चाहिए। सबसे पहले तू इसे अंदर लेकर जा और जाके रिपोर्ट बना। चल चल अंदर चल। तब तक मैं इन लोगों को देख कर आता हूँ। अंजलि क्या? अरे वहाँ से क्या चिल्ला के बात कर रहे हो? दम है तो सामने आके बात कर। अच्छा, इन लोगों के साथ मिलके पलटन बना के जो साजिश की है ना, 6 महीने के लिए अंदर करवा डालूंगा। तू जेल में होगी और मैं उस काम वाली के साथ रोमांस करूंगा, एक बच्चे का बाप बनूंगा और वो बच्चे की फोटो लाके तुझे दिखाऊंगा कि देख बच्चे की फोटो देख। अच्छा, इतना लंबा सीन सोच के रखा है तुमने? सीन क्या, मैंने तो पूरी फिल्म सोच ली। अरे क्यों झुक रही हो मेरे पैरों में? मेरे पैरों में गिरने के बाद भी तुम कभी माँ नहीं बन सकती, जिंदगी भर बांझ बन के तड़पती रहेगी तू। मुझे बांझ बोला तुमने? मैं तुम्हारा सर काट दूंगी। देखो ऐसा मत करना, पाप लगेगा तुमको। अरे लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे दरवाजा बंद करो। अरे मेरी पत्नी ने मुझे मार मार के लाल कर दिया यार। क्या? तेरी पत्नी ने तेरे को धो दिया? अरे ऐसा वैसा धोया जैसे सचिन तेंदुलकर बॉल को धोता ना, वैसे ही धोया यार। जरा सी ढील क्या दी, सब सर पे चढ़ गई हैं। अभी देखता हूँ उन्हें। अरे बाबा तेरे को भार देंगे, ये बहुत खतरनाक साजिश कर रहे हैं। अबे डरता क्यों है, छोड़ मुझे। अरे हम डरते नहीं है, ये जरूर कोई साजिश है, ये सोचने का समय है। अरे इसकी पत्नी अनपढ़ गवार जाहिल है यार, लेकिन मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी है, जितनी पढ़ी लिखी है उतनी बड़ी ईंट से मारा है यार। मैं कह रहा हूँ इसके पीछे जरूर कोई गैंग का हाथ है। क्या? 100% गैंग का हाथ है। ए बाप रे, एक काम करो, वादा करो, हम जब भी कहीं जाएंगे ग्रुप बना के जाएंगे, चाहे इसके लिए भी जाना पड़े, ग्रुप बना के जाएंगे, ग्रुप बना के जाएंगे, याद रखना। अबे खोलो, ये लेडी रावण मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी यार। मैंने बोला ना बहुत डेंजर लोग हैं, ये तीनों हमारा घेराव करके हम लोगों को छुरे से मारेंगी। लगता है हमारी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। देखो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, जो कुछ करना है यही करेंगे। अबे चुप, इनका हिसाब किताब तो मैं अभी करके आता हूँ। इधर आओ, इधर यहाँ बैठो, ये दोनों पागल हो गए हैं, हम लोगों नहीं छोड़ेंगे बाबा। देखो मेरी बात सुनो। अरे मच्छरदानी मच्छरदानी क्या करे तू? अरे रे 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 ले ले। नहीं बाबा मुझे जहर दे, मैं आराम से मरना चाहता हूँ। अरे मुझे नशे में तो ऐसा लगता है मेरी पत्नी छुरी लेके मेरे सीने में बैठी हुई है। अरे मेरे को एक बात बता, मैं पहले उसको इतना मारता था, कूटता था, बाल पकड़ के पटकता था, कभी कुछ नहीं बोली, ये अचानक काले का रूप धारण कर ली, इतनी हिम्मत कहाँ से आई उसको यार? पहले हम लोग उन्हें घर की चार दीवारी के अंदर मारते थे, इसलिए कुछ नहीं होता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने उन्हें पब्लिक के सामने मारा है,
इसलिए पब्लिक इशू हो गया है, इसलिए सब गड़बड़ हो गई है। इसीलिए झुमरी के मर्द के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था हमारे पास। हाँ। तू मेरी बात सुनी यार। क्या? फिर से मारखाना तेरे को। अबे नहीं यार, अभी हम उनको मना के पटा के लॉलीपॉप दिखा के घर की चार दीवारी के अंदर ला के जो उनको धोएंगे उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ऐसा करेंगे कोई पब्लिक इशू नहीं होगा, कोई देखेगा सुनेगा नहीं। कैसा रहा मेरा आइडिया? ना सो तेरा। हा? अरे मेरे घर की चार दीवारी में मेरी पत्नी को बुला के मेरी समाधि बनवाएगा। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा, मेरी माँ के गांव चला जाऊंगा। अबे कायरता के बिगुल, तू हर बात में डरता क्यों है? अंकल, अंकल, रानी का सर दर्द से फटा जा रहा है, वो रो रही है। क्या? मैं रानी को देख के आता हूँ। नहीं, हम लोग यहाँ बैठे किसी को बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना किसी को। अरे मैं भी देख के आता रानी को। तू बैठ, बैठ, तू जाएगा, वापस आएगा। अरे वो कमीनी चाकू लेके आएगी, मेरा मर्डर कर देगी। मेरे भाई, मेरे को बहुत डर लगता है।